मैम क्या ये जो आप कैनवस कर रहे हो ऑयल कैनवस, आपका तो बड़ी जल्दी सूख जाता है, पर जब हम लोग करते हैं ऑयल कैनवस बारिश के मौसम में या नॉर्मल भी करते हैं तो वो 4-5 दिन लग जाता है सूखने में। तो आप ऐसा क्या करते हो इसमें कि वो बहुत जल्दी सूख जाए? तुम लोग जो लिंसेड ऑयल यूज करते हो या टर्पेंटाइन यूज करते हो, हाँ, उसके जगह मैं एक बहुत अच्छी एक ऑयल यूज करती हूँ, वो है लिक्विन। ये विंसेंट न्यूटन का लिक्विन है, जिस जो आपके बहुत सारे साइज में आते हैं, इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आता है। ये ऑफ कोर्स थोड़ा कॉस्टली है, बट ये थोड़ा सा अगर आप अपने ऑयल कलर में मिला लो तो फिर आप जब कर रहे होते हो तो फिर उस टाइम पे ऑयल कलर में मोस्ट प्रॉबली 4 to 8 hours में सूख जाता है। अगर बहुत गर्मी हो तो जल्दी सूख जाता है और बारिश के मौसम में थोड़ा सा टाइम लेता है, बट ये जो मीडियम इसको लिक्विन कहते हैं, इसको यूज़ करने से एकदम अच्छे से सूखता है। उसके अलावा इसका जो कलर, जो आप जो कलर लगा रहे हो उसमें भी एक वाइब्रेंसी आती है जस्ट इस लिक्विन को यूज़ करने के लिए। तो ये एक छोटी सी टिप है, और अगर आप लोग भी ये वाली लिक्विन यूज़ करते हो तो आप भी अपने कैनवस को जल्दी सुखा सकते हो और जल्दी से ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है। वेट नहीं करना पड़ता कि आपको बहुत टाइम लगे और बहुत जल्द, एक दिन या आप मे भी आप सुबह काम किया तो शाम को भी काम कर सकते हो, तभी भी आपको सूखा हुआ मिलेगा। सो आई थिंक ये वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे स्टूडेंट जो ऑयल कलर कर रहे हैं या इवन जो आर्टिस्ट है जो ऑयल कलर कर रहे हैं, तो ये लिक्विन मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे दूसरे कंपनी भी लिक्विन बनाते हैं, बट आई थिंक हम लोगों ने सबका ही यूज़ किया है, बट जैसे विंसेंट न्यूटन लिक्विन बनाता है वैसे कोई भी नहीं बनाता, और उसका जो लिक्विन है वो सबसे बेस्ट होता है। और नॉर्मली दूसरे लोगों का बहुत स्टिकी हो जाता है और बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं कलर के साथ, बट ये वाला जो है स्पेशली लिक्विन विंसेंट न्यूटन का, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में मैं दे दूंगी लिक्विन का, आप चाहो तो अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हो। ये बहुत इजीली अवेलेबल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट में, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। एंड ऑल्सो ये जब ये यूज़ कर रहे हो तो लास्ट में भी आपका बहुत ऐसा होता होगा जब कलर करने के बाद जब सूख जाता है तो बहुत ऑयल लग रहा है, कहीं पे कुछ लग रहा है, तो आप लास्ट में भी एक प्रॉपरली सारा सूख गया है तो एक ऑल टुगेदर लिक्विन का एक बहुत पतला कोट मार दो ऐसे करके पूरा कैनवस में, तो वो पूरा तरह से अच्छे तरह से सूख जाता है और एक अच्छा शाइन भी देता है, और वो एक गोल शाइन होता है जिसमें एक ही टाइप का होता है। उसके बाद आपको वॉर्निश जो है वो ऑफकोर्स जैसे आपको पता ही होगा कि ऑयल कलर में वॉर्निश आपको 6 महीने बाद करना चाहिए, उसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी कि क्यों, लेकिन 6 महीने बाद वॉर्निश करना है तो उसका जो इफेक्ट है वो इतना अच्छा नहीं आता विदाउट वॉर्निश, पर एक लिक्विन अगर आप एक थ्रू आउट कर दो लास्ट में तो आपका एकदम फील चमक वाला फील देगा और वो बहुत अच्छा लगता है। सो ये सारी जो टिप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ऑयल कलर कर रहे हो तो ये आपको ज़रूर करना चाहिए, ये यूज़ ज़रूर करना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है जो ऑयल कलर के लिए और भी कुछ जानना चाहता है और सीखना चाहता है वो हमारा क्लास ज्वाइन कर सकता है। हम ऑफलाइन क्लास दिल्ली में दे रहे हैं, GK2 में है, सो जो भी ऑफलाइन क्लास में आना चाहता है वो आ सकता है। ऑनलाइन क्लास में ऑयल कलर थोड़ा डिफिकल्ट होता है सीखना, फिर भी हम ऑनलाइन भी दे देते हैं, और लेकिन ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास के लिए आपको मेरे को व्हाट्सअप मैसेज करना पड़ेगा। व्हाट्सअप मैसेज में आप अपना नाम और स्टेट जरूर लिखिएगा, उसके बाद जो भी आपको सीखना है उसके डिटेल लिख दीजिएगा तो मैं आपको कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल बता दूंगी कैसे आप हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फाइन आर्टिस्ट है और जो फाइन आर्ट सीखना चाहता है और ऑयल कलर स्पेशली सीखना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में आया वो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर टुडे।